तो मित्रों, हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र में वर्णित विभिन्न संप्रदायों की हम बात कर रहे थे, सिद्धांतों की बात कर रहे थे। तो अभी तक हमने रस निष्पत्ति की बात की, और इसके अंतर्गत हमने कहा कि भाई, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जो सूत्र दिया, तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, और भट्ट लोलट की स्थापना ये थी कि भाई, दर्शकों के सामने, प्रमाता के सामने, प्रेक्षक के सामने, सहृदय के सामने, सामाजिक के सामने मूल पात्र तो होते नहीं हैं, वे तो कवि कल्पित पात्र होते हैं। तो इसलिए रस निष्पन्न नहीं होता है, रस उत्पन्न होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि रस उत्पाद्य है और विभाव अनुभाव संचारी उत्पादक। फिर इस चिंतन को शंकुग ने आगे बढ़ाया, वे न्याय शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि न तो निष्पत्ति की बात है, न अनुमिति की, ये जो है उत्पत्ति की बात है, अनुमिति की बात है। रस अनुमाप्य है और विभाव अनुभाव संचारी अनुमापक। शंकुग जी जो है वो न्याय शास्त्री थे, तो उन्होंने चित्र तुरंगवत न्याय की बात कही, और उसके पश्चात भट्ट नायक जी आए। उन्होंने भट्ट रोलट और शंकु के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने एक तीसरा सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत भुक्तिवाद कहलाता है। यानी कि रस भोज्य है और विभाव अनुभाव संचारी भोज्य है, भुक्तिवाद उसको कहते हैं। उन्होंने तीन कार्य व्यापारों की मौलिक कल्पना की, अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व। और इसी भावकत्व कार्य व्यापार के मूल में साधारणीकरण का भी बीज विद्यमान था। और उसके बाद में अभिनव गुप्त जी आए, और अभिनव गुप्त जी ने व्यंग्य व्यंजक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दरअसल में ये जो साधारणीकरण की जो बात आई, इसका मूल बीज तो भट्टनायक के सिद्धांत में ही था, और अभिनव गुप्त जी ने इसको और पुष्ट किया। दरअसल में साधारणीकरण का सामान्य अर्थ, हम ज्यादा विस्तार में तो इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आप इसको और अधिक पढ़ेंगे, या मैं आपको एक छोटी सी झलक दे रहा हूं। साधारणीकरण का मतलब क्या है? विशेष का सामान्यीकृत हो जाना, विशेष का सामान्यीकृत हो जाना। विशेष का सामान्यीकृत हो जाने का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति विशेष की घटना को कवि इस रूप में प्रस्तुत करता है कि उस व्यक्ति विशेष की घटना का कालक्रम का व्यतिक्रम हो जाता है, और देश काल का अतिक्रमण हो जाता है, और वो व्यक्ति विशेष की घटना न रह करके वो जनसाधारण की घटना, सामान्य का विषय बन जाती है। जैसे कल्पना कीजिए आप कि भगवान राम कब हुए? त्रेता युग में हुए। श्री कृष्ण भगवान द्वापर युग में हुए। अब त्रेता युग कब हुआ? सतयुग कब हुआ? लेकिन उस घटना को हम हमारे जीवन का एक प्रेरणा, ऐसा प्रसंग, प्रेरणास्पद प्रसंग मान लेते हैं कि हम ये भूल जाते हैं, और वैसे ही तदनुरूप हमारी अनुभूति होने लग जाती है। सीता का हरण होता है तो हमें रावण पर क्रोध आता है, जब द्रौपदी का चिरहरण होता है तो हम टीवी स्क्रीन पर जो है दुशासन का सर फोड़ देते हैं। तो ये जो प्रतीति होती है, यही सामान्यीकरण, यही साधारणीकरण की स्थिति है, जहां की काव्य का विषय विशेष न रह करके सामान्यीकृत हो जाता है। इसी बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा कि विशेष को साधारणीकृत रूप में, सामान्यीकृत रूप में प्रस्तुत करना, यही साधारणीकरण कहलाता है। अब विद्वानों ने इस पर अलग अलग विचार किया कि ये साधारणीकरण आलंबन का होता है, या ये आश्रय का होता है, या कवि कल्पित व्यापार का होता है। अंततो गत्वा, संस्कृत के आचार्यों का मंथन करने के बाद में अंततो गत्वा डॉक्टर नगेंद्र की स्थापना ये थी कि ये जो साधारणकरण होता है, ये कवि कल्पित व्यापार का होता है। तो साधारणीकरण की स्थिति वही है, जब तक ये अगर साधारणीकरण न हो तो फिर काव्य रचना करने का कोई मतलब ही नहीं है, उसकी कोई प्रयोजनीयता भी नहीं है। और इसी क्रम में हम बात करते हैं सहृदय की। भारतीय काव्य शास्त्र में सहृदय होना एक विशिष्ट प्रकार का
जो है व्यक्तित्व होने की बात है, क्योंकि यों तो संसार में सभी लोग मनुष्य हैं, सभी के हृदय धड़कते हैं, सभी के मन में सुख दुख के भाव होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक विशेष भाव को एक विशेष मनस्थिति के साथ में अनुभव करना, उसकी अनुभूति करना, और विशेष रूप से जो या तो नाटक देख रहे हैं या विशेष रूप से जो काव्य का आस्वादन कर रहे हैं, मित्रों याद कीजिए वो क्षण, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा के वे अंश आप याद कीजिए जिस समय में कि भगवान राम शक्ति उपासना कर रहे थे और उपासना का अंतिम क्षण था, देवी के चरणों में अर्पित करने के लिए केवल एक ही कमल शेष था, साधना पूर्ण होने वाली थी। दुर्गा चुप करके आती है, चुपके से वो कमल उठा करके ले जाती है। श्री राम अपने अभ्यास के अनुसार अपना हाथ बढ़ाते हैं, उस स्थान पर कमल नहीं है, वे एकदम हतप्रभ हो जाते हैं, आंख खुलती है, देखते हैं यत्र तत्र कहीं कमल नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा संकट का क्षण, आसन छोड़ नहीं सकते, न छोड़ें तो क्या करें, छोड़ें तो असिद्धि, किया करें सारा जो है वो समान नष्ट हो जाए। स्वतः स्फूर्त श्री राम जी के जो है वो उद्गार निकलते हैं, दिक जीवन को जो पाता ही रहा विरोध, दिक जीवन जिसके लिए किया शोध। अब दिक जीवन जो किया, जो जो जीवन में विरोध हुए, धिकार है इस जीवन को, जहां विरोध ही विरोध होता जा रहा है, विरोध क्या स्थिति बने, अब कैसे करें, क्या करें। अब देखिए वो जो राम की वेदना है, वो श्री राम जी की जो आत्म प्रताड़ना है, ये जो क्षण का उद्गार है, इस उद्गार की जो है मार्मिकता को वही व्यक्ति समझ सकता है जो सहृदय होगा। अगर वो सहृदय नहीं है तो उस भाव का आनंद ले ही नहीं सकता है मित्रों। इसलिए काव्य का आस्वादन करने के लिए या नाटकीय दृश्य का आस्वादन करने के लिए, रस की निष्पत्ति को जो है अनुभव करने के लिए, रस की निष्पत्ति उसी के हृदय में होगी, रसानुभूति उसी के हृदय में होगी, सत्वोदय उसी के हृदय में होगा, जो है लोकोत्तर आनंद उसी के हृदय में होगा, स्व प्रकाश आनंद उसी के हृदय में होगा, चिन्मय मन स्थिति उसी की होगी जो सहृदय होगा। अगर जो सरस अनुरागी नहीं है, जो सहज नहीं है, जो अहम चैतन्य से मुक्त नहीं हुआ, जिसके मन में मैं का भाव ही आरोपित रहा, वो रस की प्रतीति कैसे कर सकता है। इसलिए काव्य वांग्मय में अगर आनंद लेना है, अगर नाटक का आनंद लेना है, अगर काव्य रचना का आनंद लेना है, अगर आप सच्चे अर्थ में साहित्य के रसिक बनना चाहते हैं, साहित्य की जो है विलक्षणता को अनुभव करना चाहते हैं, तो मित्रों सहृदय होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए काव्य शास्त्र में, इसलिए नाट्य शास्त्र में दर्शकों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो प्रयोग, वो शब्द है सहृदय। इसलिए सहृदय के अभाव में आपकी स्थिति वैसी है, केवल एक धड़कता हुआ, धड़कते दिल वाला आप इंसान तो आप हो सकते हैं, एक सामान्य देखने वाला इंसान तो आप हो सकते हैं, अपने निज के सुख दुख अनुभव करने वाले तो आप हो सकते हैं, लेकिन जो आप अपने से इतर रह करके, अलग हट करके, अगर आप कोई विलक्षण अनुभूति करना चाहे, अगर वास्तव में आप काव्य का आनंद लेना चाहें, वास्तव में आप नाटकीय दृश्य का आनंद लेना चाहें, वही सहृदय होते हैं। मैंने अभी जैसे आपको एक उदाहरण सुनाया, अभी पिछली बार हमने जब बात की थी, तो अब देखिए कि द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग है, द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग टीवी सीरियल में आ रहा है। अब द्रौपदी का चीरहरण कब हुआ, चीरहरण कब हुआ, कम से कम हुआ होगा, जैसा कि पौराणिक मान्यताएं हैं कि इस कलयुग को जो है 432,000 वर्ष, 5 लाख जो है उसके 5,000 वर्ष पहले द्वापर युग समाप्त हुआ। अब ये 5,000 वर्ष पहले कब घटना हुई होगी हस्तिनापुर में, जिस समय में कि वहाँ द्यूत क्रीड़ा करने के बाद में सभा के अंदर जो है वो युधिष्ठिर हार गए और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। अब वो टीवी सीरियल में आ रहा है, बी आर चोपड़ा साहब ने बनाया, रूपा गांगुली द्रौपदी का अभिनय कर रही है, सबको मालूम है, पुलित ईश्वर दुर्योधन बने बैठे हैं, सबको मालूम है,
सारे अभिनेता वहाँ हैं जो उस प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए हैं, वो टीवी सीरियल है, उसका शूटिंग हुआ है, कोई किसी प्रकार का हरण फरण कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब वो एपिसोड शुरू होता है और जिस तरह से दुशासन और अट्टहास करते हुए सारी सभा जो है उसको अपमानित करती हुई और पांडव लज्जा और ग्लानि और क्षोभ से सर नीचा किए हुए बैठे हैं और द्रौपदी जो है हे कृष्ण करती हुई जो आंखें मूंदे हुए वो भी अपमान की ज्वालाओं से जल रही है, बुरी तरह से असहाय, कुछ नहीं कर पा रही है, गुस्सा भी आ रहा है उसको कि जो है मेरे पांच पांच पति बैठे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी इतना अद्भुत ढंग से डायरेक्टर ने प्रस्तुत किया कि मित्रों सोमवार को अखबार में लिखा हुआ था कि पूरे हिंदुस्तान में 50 लोगों ने टीवी का स्क्रीन फोड़ दिया। इतना गुस्सा आया उनको दुशासन पर, इतना गुस्सा आया कि लेके पत्थर और लेके खड़ करके दुशासन का सर फोड़ दो सालों का। लेकिन दुशासन का सर तो नहीं फूटा, टीवी का स्क्रीन फूट गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए वह क्षण जिस क्षण ने उनको यह आत्मविस्मृति करा दी कि वे अपने घर में बैठे हुए हैं और भगवान की कृपा से महाभारत का सीरियल देख रहे हैं और ये जो एक्टिंग है वो एक्टिंग हो रहा है, कोई वास्तविकता कुछ न तो कोई रूपा गांगुली का चीरहरण हुआ न कोई बात है। लेकिन ये जो उनके मन का जो भावोद्रेक जो हुआ, उस भावोद्रेक का वो जो क्षण, वही क्षण उनकी सहृदयता का प्रमाण बन गया। तो इसलिए अगर आप सहृदय नहीं है मित्रों तो मान करके चलिए कि काव्य का आस्वादन आप डिग्री ले सकते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, अपने विद्यार्थियों से भी कहता हूं कि और किसी विषय में एमए करना सहज है, सरल है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप चाहे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के सारे विषयों में किसी भी विषय में एमए कर लीजिए, हिस्ट्री में कीजिए, पॉलिटिकल साइंस में कीजिए, सोशियोलॉजी में कीजिए, इकोनॉमिक्स किसी में भी कीजिए, चाहे आप कॉमर्स पढ़िए, साइंस पढ़िए, टेक कुछ भी पढ़िए। लेकिन मित्रों साहित्य पढ़ना, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे राजस्थानी साहित्य हो, साहित्य पढ़ने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की मनस्थिति अगर आपकी है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। जिस समय में कि प्रलय की विनाश लीलाओं से, प्रलय की उस जो है ध्वंस लीलाओं से सारी सृष्टि जलमग्न हो गई, एकमात्र मनु अवशिष्ट रहे और कोई नहीं था, दूर दूर कोई नहीं था, कहीं कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी, और उस समय में जब मनु के कानों में एक आवाज टकराई होगी कि कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। जिस समय में मनु के कानों से ये आवाज आई होगी और मनु ने देखा वो सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, वो जो अद्भुत दृश्य उन्होंने देखा, तो जिस आनंद की प्रतीति मनु ने की होगी उस आनंद की प्रतीति आप कैसे कर सकते हैं मित्रों, अगर आप केवल इसको ऐसे ही पढ़ते हैं कि जो है वो जो है मनु बैठे हुए थे, प्रलय हो गया, पृथ्वी वापस ऊपर आ गई, पानी समाप्त हो गया, एक आवाज आई, एक औरत बोली तुम कौन हो, इस संसार सागर के किनारे चुपचाप बैठे हुए हो, भाई तेजस्वी तो लगे, तो क्या खाक पड़ा आपने कमाई, खाक पड़ी आपने कमाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो जो भाव आते हैं, जैसे मैंने भी आपसे कहा, मैंने आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, मैं देवदास फिल्म देखने के लिए गया और सच मानिए देवदास का जो अंतिम दृश्य है जहाँ की देव जो है वो तो पारो पारो करता हुआ अपने जीवन के अंतिम सांस गिन रहा है और पारू जो है वो भागती हुई आ रही है अंतपुर से और उसके पति देव जो आदेश दे रहे हैं कि जो है वो हवेली के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, और उस वक्त जो वो उसका पारू का जो अंतर्द्वंद और उसकी जो मनस्थिति और उधर देवदास की जो स्थिति, आप सच मानिए हॉल में जितने अधिकांश लोगों की हालत थी कि वो मतलब फूट फूट कर रो रहे थे, और जब हॉल के बाहर निकले तो कई लोगों के आंखों में आंसुओं की धारा अभी तक भी बह रही थी। मैं बाहर अपने मित्रों से मैं जो है कुछ लोग आए, मैंने उनसे पूछा यार कैसी पिक्चर है, तो कहा यार जोरदार आनंद आ गया। तो मैंने कहा आनंद आ गया तो रो क्यों रहे हो, ठीक है, तो कहा कि बस पूछो मत यार इतना आनंद आया क्या कहता हूँ। देखिए वो आनंद के आंसू थे, ये उनकी सहृदयता का प्रमाण है। और बहुत से ऐसे लोग भी थे जो हंस रहे थे, हा हा क्या हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, क्या बात है। तो कहने का मतलब ये है कि सहृदय होना ये निश्चय ही एक आवश्यक गुण है काव्य का आनंद लेने वालों के लिए,
और प्राचीन काल में तो ऐसे लोग जो वास्तव में राज्यसभा में बैठते थे तो उनके लिए तो एक विशिष्ट प्रकार की श्रेणी होती थी, उनको काव्य रसिक के रूप में एक अलग जो है उनको स्थान दिया जाता था, क्योंकि वे काव्य के मर्मज्ञ हुआ करते थे और कई बार काव्य की ऐसी गूढ़ बातें जो होती थी जो सामान्य रूप से नहीं समझा पाते थे लोग, उसको वैसे सहृदय लोग व्याख्या करके बताते थे। तो मित्रों, सहृदय होना, मैं समझता हूँ कि आप लोग बड़े, आप भी लोग भी सहृदय हैं कि जो कि हिंदी में जो है आप लोग स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। तो ये काव्य शास्त्र की एक सहृदय वाली बात हुई। तो अब तक हम लोगों ने रस क्या है, हृदय की मुक्तावस्था, और हमने रस के स्वरूप के बारे में बात की, रस के अवयव के बारे में हमने बात की, और हमने फिर रस निष्पत्ति की बात कही, साधारणीकरण की प्रक्रिया की हमने बात कही, और इन सब की आधारशिला क्या है, इन सब को, इन सब का अनुभव आप कब कर पाएंगे, इन सब की अनुभूति आप कब कर सकेंगे, इन सब को आप जो है मनस्थ कब कर पाएंगे, इन सब का आनंद आप कब ले सकेंगे, आप तब ले सकेंगे जबकि आप सहृदय होंगे। केवल देह धर्मधारी होने से जो है काव्य का आनंद नहीं आ सकता, काव्य का आनंद तो देह की सीमा का अतिक्रमण करके ही आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है वो सहृदय की बात हुई। अब हम ये बात करते हैं कि भाई काव्य की आत्मा क्या है, काव्य की आत्मा को केंद्र में रख करके हमारे काव्य शास्त्र में कई प्रकार के चिंतन हुए, और ये चिंतन दो प्रकार के हुए, एक को हम कहें शब्द प्रधान, दूसरे को हम कहें अर्थ प्रधान। जो भी आपने काव्य की परिभाषा या काव्य के लक्षण जो पढ़े होंगे, तो एक छोटा सा सूत्र वाक्य आपने जरूर पढ़ा होगा कि शब्दार्थोते शरीरम काव्य, शब्द और अर्थ की सार्थक संसृष्टि जो होती है वो काव्य होती है। गोस्वामी जी ने भी कहा कवि ही आखर अर्थ बल साचा, ये आखर और अर्थ यही सच्चे बल है जो कवि की काव्य रचना के सहायक उपादान होते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो काव्य की आत्मा को केंद्र में रख करके जो सिद्धांत बने, वे दो प्रकार के सिद्धांत बने हैं, ये मेरा अपना इस प्रकार का सोच है। एक शब्द प्रधान है, दूसरा अर्थ प्रधान है। शब्द तो आप जानते हैं स्थूल होता है और अर्थ अमूर्त होता है, अर्थ सूक्ष्म होता है। तो शब्द को आप देख सकते हैं, अर्थ की प्रतीति करनी पड़ती है। तो काव्य की आत्मा को केंद्र में रख करके जो चिंतन हुआ उसमें उस सिद्धांत बने, रस सिद्धांत और रीति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत। ये रस, रीति, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, ये छह सिद्धांत जो बने हैं, ये भारतीय काव्य शास्त्र के उल्लेखनीय सिद्धांत हैं, और ये छह प्रकार की दृष्टियां हैं। तो सबसे पहली तो मैंने कहा शब्द और अर्थ, इसका मतलब यह है कि इसमें तीन सिद्धांत ऐसे हैं जिसमें शब्दों का चमत्कार है, और दो सिद्धांत ऐसे हैं जिसमें अर्थ का, अर्थ की प्रभाव शक्ति की व्यंजना की गई है। जैसे हम कहें कि रीति, अलंकार और वक्रोक्ति, ये तीन ऐसे हैं जो कि स्थूल हैं, जहां शब्दों का चमत्कार है, जहां हमें जो है वो बाह्य रूप में दिखाई देता है, जिस प्रकार से कि कोई वनिता स्वर्णाभूषणों से मंडित है, वाक्पटु है, वचन विदग्ध है, वचन वक्र है, और एक विशिष्ट मुद्रा में गमन भी करती है, चलती भी है, ये तीनों चीजें तो आप देख सकते हैं, द्रष्टव्य है। उसके बोलने की वक्रता है, ये आप देखते हैं। उसकी जो चलने की जो मुद्रा है वो एक अलग है, वो द्रष्टव्य है। उसने अपाद मस्तक स्वर्ण आभूषण धारण कर रखे हैं, ये भी द्रष्टव्य है। लेकिन उसकी मनस्थिति क्या है, अब आप कुछ कुछ उदाहरण देखिए। एक बार पार्वती जी प्रातः भ्रमण के लिए निकली, और उधर से लक्ष्मी जी भी मॉर्निंग वॉक के लिए आई, दोनों आमने सामने हो गई, आपस में गुड मॉर्निंग हुई, सलाम दुआ हुई, और उसके बाद में लक्ष्मी जी ने छूटते ही पार्वती जी से पूछा कि पशुपति कहाँ गए हो रही। तो पार्वती जी ने कुछ पल के लिए सोचा,
अच्छा पशुपति कहाँ है? तो कहा कि पशुपति, पशुपति तो गोकुल में गाय चरा रहे। तो लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा तो भिखारी कहाँ गई? औरी तो कहा भिखारी, भिखारी तो बलि के द्वार पर है। अब लक्ष्मी जी सक पकाई। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि लक्ष्मी जी ने पूछा कि भिखारी कहाँ गई औरी। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि भगवान शिव तो अवधूत हैं, ठीक है, भस्मी रमाए हुए हैं, सांप और बिच्छू गले में लटकाए हुए हैं, कमंडल हाथ में लिए हुए हैं, पहाड़ों में रहते हैं, तो ये सब क्या है? और बागंबर उड़े हुए हैं, ये तो सब भिखारियों जैसे लक्षण हैं, कुछ संपन्न लोगों के लक्षण तो है नहीं, ठीक है। तो उन्होंने अपनी वचन वक्रता का प्रमाण देते हुए कहा कि भिखारी कहाँ गई औरी। पार्वती ने प्रत्युत्तर में कहा भिखारी कौन जो याचक होता है? अब शिव जी तो याचक है नहीं, शिव तो महादेव हैं, ठीक है। तो उसने वापस उसी वक्रता से कहा प्रयोगो बलि के द्वार पर, ठीक है, कहाँ है? बलि के द्वार पर। बलि के द्वार पर कौन गए थे? भगवान विष्णु। क्या बल करके गए? वामन। और क्या मांगी? तीन पैर जमीन। तो मांगने वाला कौन होता है? भिखारी। शिवजी तो कहीं मांगने नहीं गए, ठीक है। तो वापस नहले पर दहला दिया। तो अब लक्ष्मी का नहीं 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 मेरे कहने का मतलब है कि पशुपति कहाँ है? ये पशुपति, पशुपति का मतलब क्या हुआ? भगवान शिव का वाहन क्या है? बैल। भगवान शिव का वाहन है बैल, बैल है पशु, उसके स्वामी पति यानी स्वामी, स्वामी कौन? के शिवजी। शिवजी कहाँ है? तो पार्वती ने कहा कि पशुपति गोकुल में गाय चरा रहा है। क्यों? क्योंकि गोपाल कौन? श्री कृष्ण। किसके अवतार? भगवान विष्णु के हस्बैंड ऑफ द लक्ष्मी जी। तो कहा कि भाई जो है वो तो वहां है। तो कह रहे नहीं, मैं तो शिवजी की बात करूँ, ऐसे बात करो ना, शिवजी की बात करो, वो कैलाश मानसरोवर में अभी अभी उनको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट देकर के आ रही हूँ, वो आराम से कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसी प्रकार से देखिए कि एक रात श्री कृष्ण भगवान जो है राधिका जी के यहां चले गए। और राधिका जी के यहां गए तो दरवाजा खटखटाया, तो राधा ने पूछा कि कौन? श्री कृष्ण का मैं हरि। राधा ने कहा हरि? तो कहा भाई हरि हो तो किसी गुफा में बसो। तो कहा नहीं, मैं तो घनश्याम। तो कहा घनश्याम तो किसी खेत पर बरसो। तो कहा नहीं, मैं तो तोरे पक्ष वाला हूं। तो कहा पक्ष वाला है तो किसी कोठर में बसो, ठीक है। कहा मैं श्री कृष्ण हूं तो ऐसे कहो ना, इतनी भूमिका बना करके क्यों करते हो? अब देखिए, जब राधा ने पूछा कौन, श्री कृष्ण का मैं हरि। हरि श्री कृष्ण को कहते हैं, लेकिन हरि सिंह को भी कहते हैं। राधा ने श्री कृष्ण को वाला अर्थ न लेकर के सिंह वाला अर्थ दिया। तो कहा कि सिंह हो तो किसी गुफा में बसो। कहा नहीं, मैं तो घनश्याम हूं। अब घनश्याम श्री कृष्ण को कहते हैं। राधिका जी ने कहा घनश्याम हो तो भाई बादल हो तो किसी खेत पर जाकर के बरसो। और कहा कि नहीं, मैं तो पक्ष वाला हूं यानी तुम्हारा। राधा ने कहा पक्ष पंख वाले हो तो, पंख वाले हो तो भाई किसी कोठर में जाके बसो। काली मैं तो श्री कृष्ण। अब देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया, यहाँ क्या है देखिए, यहाँ शब्दों की वक्रता, अर्थ की वक्रता चलती है यहाँ पर। यहाँ शब्द की वक्रता के माध्यम से अर्थ का चमत्कार आ रहा है। अब इसी प्रकार से मान लीजिए कि जब कोई कवि कहता है कि भाई तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब तरणी तनुजा तट तमाल तरु, अब देखिए प्रत्येक शब्द के प्रारंभ में त वर्ण की आवृत्ति हुई, अनुप्रासिक छटा हुई। अब ये अनुप्रासों का चमत्कार हुआ। हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग और लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। अब ये अलंकारों का चमत्कार हुआ, ये बात कहने का अतिशयोक्ति का चमत्कार हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जितने सिद्धांत बने, इसमें जब हम अलंकार की बात करते हैं, रीति की बात करते हैं, अलंकारों की बात करें, हम रीति की बात करें, वक्रोक्ति की बात करें, तो इसमें शब्दों के चमत्कार की बात है। लेकिन जब हम रस की बात करें और ध्वनि की बात करें, तो रस और ध्वनि जो है वो अमूर्त है, वो प्रतीति का विषय है। अलंकार तो सामने दिखते हैं। जब गहरी लाल लिखते हैं अंग अंग नग जगमगे दीप शिखासी देह, नायिका
नायिका का शरीर कैसा है, उसके शरीर पर आभूषण कैसे हैं, उसकी सुंदरता देखिए कि अंग अंग उसका अंग प्रत्यंग पर जो नगीने जड़े हुए, इतने इतने आभूषण पहने हुए हैं, अंग अंग नग जगमगे दीप शिकासी देह दियो बढ़ाए हो रहे बड़ो देरो। बड़ी अद्भुत नायिका है भाई, भगवान नहीं करे ऐसी नायिका किसी स्टेट में, और अगर मिल जाए तो प्रत्येक राज्य सरकारों का बिजली का खर्चा बंद हो सकता है, क्योंकि सरकार ऐसी ऐसी नायिकाओं को जगह जगह कीर्ति स्तंभ बना करके, ऊंची ऊंची मीनारें बना करके बुर्ज खलीफाओं की तरह, और वहां पर उन नायिकाओं को प्रतिष्ठित कर देगी तो आपके बिजली का बिल भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो जिस घर में रहती है बड़ो उजेरों जो बढ़ाए हो रहे, यानी कि उसके अंग प्रत्यंग जो है नगीन ऐसे जगमगा रहे हैं कि जिस घर में वो है वहां अंधेरा होने के उपरांत भी बहुत अद्भुत प्रकाश रहता है। ये अलंकार का चमत्कार है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे काव्य सिद्धांत हैं, ये जो विभिन्न जो सिद्धांत हैं, रस सिद्धांत सबसे पुरातन सिद्धांत, आचार्य भरत मुनि इसके प्रणेता, इसके विषय में मैं ज्यादा विस्तार से आपको इसलिए नहीं कहूँगा कि हम इसके विषय में रस क्या है, रस का स्वरूप क्या है, रस के अवयव क्या हैं और रस निष्पत्ति क्या है, ये तो हम सब पढ़ चुके हैं। और इस सिद्धांत को जो मानने वाले जो लोग हैं, यों तो चाहे भले वो अलंकारवादी भी हों, चाहे ध्वनिवादी हों, चाहे वक्रोक्तिवादी हों, चाहे आधुनिक जितने भी, चाहे रीतिकाल के भी हों, रीतिवादी अलंकारवादी भी हों, लेकिन रस की सत्ता को सबने सर्वोच्च माना है। और हमारे हिंदी में भी चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हों, आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी जी हों, चाहे डॉक्टर नगेंद्र जी हों, इन्होंने रस की सत्ता को स्वीकार किया। और उसके बाद में हमारे दूसरे जो सिद्धांत रीति संप्रदाय है, आचार्य वामन, रस की प्रतीति तो बहुत चलो सर्वोत्तम बात है, लेकिन सवाल यह है मित्रों कि सर्दी के मौसम में आप बादाम का हलवा खाएं तो बड़ा अच्छा लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि बादाम का हलवा बनाना भी तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं नहीं भाई, बादाम का हलवा बनाने की क्या बात है क्या उसमें, हलवा ही तो बनाना है यार, और करना क्या है उसमें, मैदा हो जाएगा, गुड़ हो जाए, ये हो जाएगा और घी हो जाएगा और इसमें बादाम डाल देंगे, बना के देख लो अगर बनता हो तो। ये सबको मालूम है कि भवन कैसे बनता है, ईंट चूना गारा पत्थर सीमेंट से बनता है, ये ईंट भी पड़ी, चूना भी है, सीमेंट भी है, गारा भी है, सब है, बना करके देख लो चित्र कैसे बनता है, कैसे आप तुलिका होनी चाहिए और कैनवास होना चाहिए, रंग होना चाहिए, ये रंग भी आपके सामने है, तुलिका भी आपके सामने है, ब्रश भी आपके सामने है, बना करके देख लीजिए अगर बना सको तो। मित्रों ऐसा नहीं होता है। आचार्य वामन ने कहा कि रीति रात्मा काव्यस्य, रीति ही काव्य की आत्मा है। रीति शब्द ऋण धातु से बना, उसका मतलब होता है पंथ, मार्ग, जो कार्य करने का तरीका, जिसको अंग्रेजी में शैली भी कहते हैं। हालांकि अंग्रेजी में जो स्टाइल शब्द है, अंग्रेजी का जो शैली है, वो शैली उतनी गरिमा या उतनी दूर तक उसकी व्यंजना नहीं होती है जितनी कि हमारे काव्य शास्त्र में रीति की बात कही गई है। तो ये हम कुछ सिद्धांतों की बात हम कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम और इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि आचार्य वामन ने किस प्रकार से रीति को विभाजित किया, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, इस प्रकार से रीतियों का विवेचन किया। पहले जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो है वो अलग अलग मार्ग की बात कही गई है, और फिर पद्धति की बात भी कही गई है। और ये जो वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली ये जो रीतियां हैं, तो जहाँ माधुर्य गुण होता है, श्रृंगार रस है, लालित्य है, जहाँ कोमल जो है मृदुल पदावली का चयन है, वहाँ पर वैदर्भी रीति है। जहाँ ओज गुण प्रधान है, वीर रस है, रौद्र रस है, और जहाँ कठोर वर्णों का प्रयोग होता है, द्वित वर्णों का प्रयोग होता है, सामासिक शैली होती है, तो वहाँ जो गौड़ी रीति है। और जहाँ माधुर प्रसाद गुण, शांत, जहाँ शांत होता है, निर्वेद भाव होता है, जहाँ शब्द का अर्थ जहाँ उच्चरित होते ही एकदम जिस प्रकार की सूखी रुई जलती है भभक करके, उसी तरह से शब्द का उच्चारण करते ही जहाँ जो है अर्थ अपने आप जो है स्पष्ट हो जाता है, तो प्रसाद गुण होता है। तो वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली रीतियों का विवेचन किया गया, और पूरा का पूरा रीति शास्त्र जो है हमारे उसमें है, आप लोग और अधिक विस्तार से उसमें आप पढ़ेंगे। अब आगे हम खुद बाद में और बात करेंगे।